दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक हैंड ग्रेनेड यानी हथगोला या बारूद से भरा हुआ बम आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्रेनेड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या और कैसे काम करते हैं। दरअसल दोस्तों एक हैंड ग्रेनेड के तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला सेफ्टी पिन, दूसरा सेफ्टी लीवर और तीसरा बॉडी। दोस्तों ग्रेनेड के बॉडी के भी तीन भाग होते हैं, पहला पावर डिले फ्यूज, दूसरा डेटोनेटर और तीसरा वो जो असली विस्फोटक पदार्थ है यानी चार्ज। और दोस्तों सेफ्टी लीवर के मुंह पे भी स्ट्राइकर स्प्रिंग, स्ट्राइकर और प्राइमर होता है। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये सारे ग्रेनेड्स के पार्ट्स एक साथ मिलकर विस्फोट करते कैसे हैं। दोस्तों इस छोटे बम को ऑपरेट करना बड़ा ही आसान है। पहले तो एक हाथ से बम को सेफ्टी लीवर सहित पकड़ा जाता है और फिर सेफ्टी पिन को खींचा जाता है। अब दोस्तों अगर आप बम को यूं ही सेफ्टी लीवर के साथ सालों तक पकड़ के रखे रहें तो ये कभी नहीं फटेगा, पर आप जैसे ही अपना हाथ सेफ्टी लीवर से हटाते हैं पास में लगा हुआ स्ट्राइकर स्प्रिंग पहले तो सेफ्टी लीवर को दूर फेंकता है और फिर जाकर प्राइमर को हिट करता है, जिससे हल्की सी चिंगारी पैदा होती है जो पावर डिले फ्यूज को जला देती है और वो जलते हुए नीचे डेटोनेटर के पास जाता है जिसमें उसे तकरीबन 4 सेकंड लगता है। और दोस्तों डेटोनेटर के पास आग पहुंचते ही वो भड़क जाता है और अपने आसपास के बाकी चार्जेस को भी एक्टिव कर देता है, जिससे आखिर में एक जोर का धमाका होता है। दोस्तों बम से सेफ्टी पिन निकालने और उसके फटने में तकरीबन पूरे 6 सेकंड लगते हैं और इस तरह बम फटने के उसके 5 मीटर के दायरे में मौजूद हर शख्स अपनी जान गंवा देता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हैंड ग्रेनेड काम करता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।